तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रामेश्वर कुमार, स्वागत है आपका मेरे किसान यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। हमारे 15023 गन्ने में कहीं कहीं पर बेल हो गई है, तो ये रोज ग्रोथ कर रही है, ये गन्ने को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसके साथ ही साथ बरसाती घास भी है जिसको नीमली घास बोलते हैं, तो दोनों में बिटलैश 240 और जीरो वीड दोनों का स्प्रे कर रहे हैं। एक एकड़ की दवा 2 एकड़ में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गन्ने को नुकसान नहीं पहुँचाना है। और ये स्प्रे करने की हमारी एक तकनीक है, बड़े गन्ने में स्प्रे बहुत मुश्किल से होता है, किसान भाई ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। बड़े गन्ने में स्प्रे का तरीका बड़ा साधारण सा होता है कि आप देख सकते हैं कि इसमें गन्ने में स्प्रे चल रहा है, वो भाई करता हुआ आ रहा है वापसी, तो वो एक साइड करती हुई ले जाता है और एक साइड फिर उधर से करता हुआ लाता है। तो जहाँ नली डलती है, क्योंकि गन्ने के ऊपर से तो नली क्रॉस नहीं हो सकती है, तो वहीं पीछे को नली खिंच जाती है इस प्रकार से। अब इसने इधर से 3 उमरे कर लिए हैं। और ये स्प्रे करने का तरीका आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कुछ भी कवर नहीं हो रहा है इससे, तो बड़े गन्ने में स्प्रे इसी प्रकार से होता है। क्योंकि इस बेल में ज़्यादा दम होता नहीं है, अगर इसके पूरे पौधे पूरी बेल में से 2-4 पत्तों पे भी अगर दवाई पड़ जाती है तो पूरी बेल सूख जाती है। तो इसलिए हमने जहाँ से गन्ने की पत्तियाँ खिलनी शुरू होती हैं वहाँ दवाई नहीं डालनी होती, क्योंकि वहाँ से गन्ने को नुकसान होगा। जहाँ से ये दूसरी बार का बंधा है मैक्सिमम यहाँ तक दवाई डाल देंगे, इससे ऊपर हम दवाई का छिड़काव नहीं करेंगे। थोड़ा ओए एक उम्र में इधर इधर को आ जाए यार, ज़्यादा दूर पहुँच गया याद ना, आ जाए एक उम्र। चल भाई जा। अब देखिए ये दो भाई पाइप खींच रहे हैं इस उम्र में। अरे चल प्रेशर सही है, ज्यादा पानी निकल जाएगा ना, तो हाथ हिलाता रहे आदरम हाथ। अब ये इस वाले उम्र में डाल रहे हैं, जब वापिस आएंगे तो फिर इसी उम्र में वापिस आएंगे दूसरी साइड स्प्रे करते हुए। ये वाली घास है, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से बोल सकते होंगे, इसको नीमली घास बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इस पर नीला फूल आता है। और इस प्रकार से ये घास हो रही है, तो इस घास में भी बहुत ज़्यादा दम नहीं होता। देखो अभी स्प्रे होना शुरू हुआ है और ये गर्दन ढहानी इसने शुरू कर दी, ये देखिए। और स्प्रे हम यहाँ से नीचे नीचे कर रहे हैं, इन पत्तों पे दवाई पड़ी है, इस ऊपर जहाँ तक ये बेल है यहाँ पे दवाई नहीं डली। अगर इसकी दो चार पत्तों पे भी दवाई पड़ जाती है तो ये बेल सूख जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सुखाने में। ऐसे कहीं कहीं पे छिद्दी छिद्दी बेल आप देख सकते हैं, अगर इसका अभी समय से स्प्रे ना करें तो ये बड़ी हो जाएगी और गन्ने को नुकसान पहुँचाने लगेगी। ऐसे ये लगभग देख सकते हैं कि हल्की हल्की बेल पूरे गन्ने में है ये, तो अभी से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस प्रकार से, अभी ये चढ़नी शुरू हुई है। इससे पहले मैंने जब गन्ना बंधाई करवाई थी तो दोनों बार बेल दराज से कटवा दी थी, लेकिन ये कटवाना इसका विकल्प है नहीं कि फिर जर्मिनेट हो जाती है, तो बार बार हो रही है इसलिए स्प्रे कराना पड़ रहा है। नहीं तो खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे हम खेती में करते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तभी करते हैं, क्योंकि इससे ज़मीन की उपजाऊ क्षमता में बहुत भारी कमी आती है। आपने देखा होगा जिन धान के खेतों में हर्बिसाइड का स्प्रे किया जाता है उसमें अगर बाद में बरसीन आदि होते हैं तो वो चल नहीं पाता है, बहुत मरा मरा सा चलता है, तो ये हर्बिसाइड का साइड इफ़ेक्ट है। इसी कारण से हम हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं। इस उम्र में इस वाली साइड में ये करते हुए इधर से गए थे और उधर की साइड से करते हुए आ रहे हैं, और इस प्रकार से स्प्रे हो रहा है केवल नीचे नीचे, क्योंकि नीचे नीचे करने से गन्ने की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर ऊपर फुहारा मारेंगे तो गन्ना को नुकसान हो सकता है। कहीं कहीं पर गन्ना बड़ा हो गया था तो इस प्रकार से बंधाई हुई है, अब ये इस प्रकार से निकलना पड़ेगा, 2-4 उम्र ही हैं ऐसे। जहाँ बेल ज़्यादा हो ना तो थोड़ा सा ऊपर को मार दिए, पर गन्ने की जहाँ से पत्ती खिले है ना हरी पत्तियों पे ना पड़े,
समझे, जहाँ हरी पत्तियों पर ना पड़ा है, बस जो सूख गई उन पर पड़ जा। थोड़ा सा उम्रों में मिसमैचिंग हो रही है तो उसकी वजह से दाएं बाएं होना पड़ रहा है, नहीं तो तरीका वही है एक साइड चलने का। और ये गन्ना अब हमारा देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा बेल है इस वाले उसमें, यहाँ पे गन्ने के खेत में देखिए कितना गैप बना हुआ है। वजह है कि ये दोनों उम्रे एक साइड बन गए हैं, और जब ये भी बनेंगे एक साइड में, इधर वाले उम्रे आपस में बनेंगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रास्ता हो जाएगा हवा के लिए, जिससे हवा आराम से तूफान की हवा क्रॉस हो जाएगी, तो गन्ने के में गिरने की समस्या ना के बराबर रह जाएगी। ये इस प्रकार से यहाँ पे गन्ना बड़ा हो गया था आप देख सकते हैं, तो यहाँ हमने डबल बंधाई करा दी है, डबल क्या ट्रिपल हो गई है ये। तो ये गन्ना अगर इसको सीधा खड़े करेंगे तो 11-12 फिट का गन्ना ये है, 12 ग्रह का उम्रा होता है जो, उसमें ये घास होती नहीं थी इस खेत में भी, ये गैप ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि इसको धूप हवा सब मिल रही है तो ये अच्छे से पनप रही है घास। देखिए हालांकि इस घास से कोई नुकसान गन्ने में नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा खेत देखने में। ये डेमो प्लांट है, यहाँ पे मीटिंग होती रहती हैं किसान साथियों। एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ, जहाँ पे गन्ने में ब्याज ज़्यादा होता है वहाँ गन्ने की मोटाई थोड़ी कम रह जाती है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ब्याज से गन्ने की पैदावार बढ़ जाती है, वो अंत वही बात आती है कि गन्ना पतला हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे कम है, और मैं कहीं दिखाता हूँ आपको ब्याज, देखिए यहाँ पे कितना अधिक ब्याज है गन्ने में, और गन्ने अच्छे से पनप नहीं पाए हैं, ये कितने पतले पतले से रह गए हैं। देखिए ये एक भारी मेड़ा है, यहाँ पे ब्याज कम है तो यहाँ गन्ने की मोटाई कुछ ठीक है, इसमें गन्नों की संख्या कम है तो गन्नों की मोटाई ज़्यादा है। इसी प्रकार से ये गन्ना भी काफ़ी मोटा है, यहाँ भी ब्याज कम है। बहुत ज़्यादा ब्याज में गन्ने की पैदावार बढ़ती नहीं है, वो भी बात हो जाती है, फिर गन्ने कम वजन के होते हैं। ये देखिए किसान साथियों, गन्ना बंधाई में तोड़ी हुई बेल है ये, जो सूखी हुई है अब, लेकिन दोबारा से रिजेमिनेट हो रही है, तो इसे स्प्रे से ही रोक पाएगी ये दोनों मेड़ों में ऐसे ही है। और इस प्रकार से स्प्रे करने में पाइप कम पड़ गया है, दूसरी साइड से टैंकर ले जाना पड़ेगा खेत के। और ये घास का हाल देख सकते हैं आप, इस घास ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है, 2 घंटे का समय बीत गया है। राहुल खेच ले हैं सर, ना खींच रहे हो या तुम थोड़ा थोड़ा खेच लाते हो उधर से। अब दूसरी साइड ले जाने के लिए सारा पाइप लपेटना पड़ेगा टैंकर पे। ट्यूबवेल के आसपास घास मारने के लिए इसमें भी छिड़काव हो जाएगा तो सही हो जाएगा, यहाँ आया अच्छा नहीं लगता। और अब खेत के दूसरी साइड से टैंकर आ गया है स्प्रे करने लगे हैं। ये हल्की हल्की बेल पूरे खेत में ही है आप देख सकते हैं। तो इस तरह का काम पूरा हो गया, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। घास ढहनी शुरू हो गई है।